Hey guys, welcome back to another vlog. मुझे आपको एक बहुत ही जरूरी बात बतानी थी। बात कुछ ऐसी है गाइस, जो हमारे लीवो है, लीवो को घर पर लाए हुए मुझे लगभग 2 या 3 महीने हो चुके हैं। ऐसे तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन लगभग 2 महीने के समथिंग तो हो गए हैं। तो तब से लीवो मेरे पास ही है, लेकिन अभी का सीन है गाइस की जो कैनल पर फीमेल्स डॉग हैं, जो प्रेग्नेंट हैं और जो पपीज देने वाली हैं, जो कुछ टाइम बाद पपीज देंगी, तो कैनल पर थोड़ी सी ठंड रहती है, तो ठंड में पपीज को बर्थ देना बिल्कुल ठीक नहीं है यार। और वहां पर फीमेल की और बच्चों की देख रेख भी नहीं हो सकती है, तो इसलिए पापा जी ने सोचा है कि लीवो को हम कैनल पर लेकर चले जाएंगे और कैनल से 2 फीमेल या फिर 1 फीमेल, मुझे नहीं पता कितनी फीमेल प्रेग्नेंट है, वो सारी की सारी घर पर आ जाएंगी और हमारे लीवो बेचारा कुछ दिन के लिए कैनल पर चला जाएगा। तो गाइज अभी तो यही सीन है कि लीवो आज या कल में चला ही जाएगा कैनल पर। लीवो ओ भाई, ओ भाई, लीवो भाग गया, लीवो भाग गया, लीवो रुक रुक रुक, इधर उधर चल 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 पीछे, चल पीछे, लीवो नहीं नीचे, नहीं भैया भैया कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई, लीवो नहीं पीछे से चल भाई, लीवो इधर आ गया यार, लीवो चल चल उधर चल, नीचे नहीं नीचे नहीं, ओ भाई साहब लीवो भाग गया यार, लीवो भाई गेट लग रहा है अच्छा है भाई, ऊपर चल ऊपर चल, हाँ लीवो चल ऊपर चल, लीवो ऊपर चल 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 ऊपर चल चल। गाइस अच्छा हुआ गेट लग रहे थे, वरना अगर आज ही निकल जाता ना पीछे, वो कहाँ जा रहा है, इधर चल चल, नहीं 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 ऊपर जा रहा है, चल उधर चल पीछे चल। यार यहाँ पर कपड़े सुखाने का मतलब है ना, उनमें ये चीज, इसकी बोरी के जो ये पार्टिकल्स है ना, ये तो जरूरी मिलेंगे इनके अंदर। और ये जो गाइस आप ये तिरपाल देख रहे हैं ना, अभी हम इसको नीचे करने वाले हैं, क्योंकि लीवो तो मेल है और इसको थोड़ी सी ठंड भी कम लगती होगी, लेकिन वो जो फीमेल्स है ना, तो उन्हें थोड़ी ठंड ना लगे, इसका हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए कल या आज में हम इस गैप को पूरा फिल कर देंगे, उसके बाद वो आराम से रह पाएंगे यहाँ पे। भाई देखो कैसे चीथड़े उड़ा रहा है, इसके खराब कर दिया भाई पूरा, बस यार लीवो। गाइस तैयार हो जाइए बहुत बेहतरीन सरप्राइज के लिए, थोड़ा सा बुरा और थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे बताते हुए कि लीवो बेचारा जा चुका है, ये हो गई सैड न्यूज। एंड उसके बदले एक फीमेल आ चुकी है हमारे घर पे, और खुशी की बात तो गाइस ये है कि इस बार जो हमारे घर पर फीमेल आई है ना, ये कम से कम डॉबरमैन नहीं है, क्योंकि चारों तरफ तो डॉबरमैन है हमारे पास। तो पहली बार घर पर जर्मन शेफर्ड भी आ चुकी है, पहली बार तो नहीं लेकिन काफी दिन के बाद आई है जर्मन शेफर्ड। सो अच्छी बात ये है कि ये प्रेग्नेंट है और बहुत ही जल्दी आपको इसके बेबीज देखने के लिए मिल जाएंगे। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ बाबा जी की गाय देखने, क्योंकि उनकी गाय भी बहुत ही जल्दी बच्चा देने वाली है, यानी कि गाय का बछड़ा होने वाला है या फिर बछिया। तो बाबा जी की मुझ पर कॉल आई है कि गाय को देखकर आ जा, क्योंकि उसके पेन वगैरह हो रहा था ना, और जो गाय वगैरह पालते हैं, जैसे हम डॉग्स पालते हैं, तो उसी तरह से बाबा जी को पहले ही पता लग जाता है, क्योंकि पेन होता रहता है, तो गाय की हरकतों से पता लग जाता है कि हाँ अब उसकी डिलीवरी होने वाली है। तो गाइस ये बैठी गाय, अभी तो ठीक ठाक बैठी है, अभी ऐसी कोई हरकत होनी दी है जिससे पता लग सके कि ये ब्याने वाली है। भाई देखो उसको पेन तो हो रहे हैं, इतनी पहचान तो मुझे भी है। गाइस हियर इज आवर जर्मन शेफर्ड एंड दिस इज अ फीमेल। बस 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 बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, लीवो से भी ज्यादा तेज है क्या तू, आजा बाहर आ जा, बैठ जा यार, लीवो बैठ जाता था कहते ही, बैठ नहीं दिया, बैठ जा 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 बैठ जा, सिट 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 सिट, ओके 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 ओके, दिमाग तो है चलो थोड़ा सा। तो गाइस एक बार कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसी लगी आपको हमारी जर्मन शेफर्ड। वैसे गाइस मैं क्या सोच रहा था कि जब जब मैं लीवो को बाहर लेकर जाता था, तो वो ओल्ड डॉग्स को देख के बहुत ही एग्रेसिव हो जाता था, और कई बार तो उसकी ऐसी नौबत आ जाती थी कि वो दूसरे डॉग्स पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता था। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने पिटबुल से मिलवाया था उसको, लेकिन भाई पिटबुल से मिलवाना उसको बड़ा ही भारी पड़ गया था मुझे, उसने उस पिटबुल पर अटैक कर दिया था। तो लीवो के बारे में तो यही पता लगा था कि उसको दूसरे डॉग्स बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अब देखना यह है कि जर्मन शेफर्ड को अब जब हम बाहर लेकर जाएंगे तो उसका रिएक्शन कैसा होगा दूसरे डॉग्स को देखकर। बाहर चलने के लिए तैयार, ओ बस 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 बस, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। चलो भाई अब ये हमारा शुरू होता है मोटर ब्लॉग। ओ भाई आराम से लोग बाग ब्लॉग करते हैं, लोग बाग ब्लॉग करते हैं बाइक चलाकर या कार चलाकर। अरे अरे यहाँ शीशा है भाई, अरे भाई वो देख रहे हैं गाइस, भाई ये तो गिर भी सकती है हमसे, अरे कहाँ जा रही है। मैं ये कह रहा था कि लोग बाग तो ब्लॉग करते हैं बाइक चलाकर और कार चलाकर, लेकिन हम ब्लॉग क्या करेंगे अब से डॉग्स को चलाकर, आराम से। ओ भाई ये क्या कर रही है यार, एक तो इसकी पूंछ इतनी लंबी है, ऐसा लग रहा है कि इसकी पूंछ पर पैर न रखा जाए मेरा, बस आराम से
मम्मी इसका नाम क्या है? भाई मम्मी को उसका नाम ही नहीं पता। मैं एक बार चेक करने वाला हूँ कि स्कूटी पर बैठ जाती है नहीं बैठती है। आजा बैठ, सिट, चलो भाई बैठ सकती है, बैठ सकती है, बैठ सकती है, मुझे उम्मीद है। आजा फिलहाल इसको बाहर लेकर जाते हैं। चलो 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 चलो। अरे वाह, आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। भाई यहाँ आसपास कोई डॉग तो नजर आ रहा नहीं है मुझे। आराम से आराम से। गाइस देख रहे हैं, ये है वो देसी कुत्ता। ओ भाई इस पे अटैक करने के लिए कैसे जा रही है, देख रहे हैं गाइस। ओ भाई बस बस, लेकिन यार ये देसी कुत्ता भी तो यहीं खड़ा रहेगा। यार मम्मी इसका नाम भी भूल गई है। यार ये देसी कुत्ता पास आ जाए ना एक बार, पता लग जाएगा भाई। इसके पास लेकर चलते हैं भाई एकदम अचानक से। अटैक अटैक अटैक, आ जाओ आ जाओ। ये डॉग भाई दिखने में तो लग रहा है लोमड़ी की तरह। भाई इसको अंदर लेकर आ गए हैं फिलहाल। भाई देखो देसी कुत्ता फिर से आ गया, इसको प्यास लगी है बहुत ज्यादा। बाय बाय गाइस, देख रहे हैं आप ये ब्लैक कलर का जो डॉग है ना, मुझे इतना ज्यादा पसंद है ना, पता नहीं यार ये किसका डॉग है और कैसा डॉग है, कहां से आया है। वैसे तो हमारे मोहल्ले में घूमता रहता है ये, बिल्कुल कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि ब्लैक जर्मन शेफर्ड है। मैं तो गाइस नीचे जा रहा हूँ और देखता हूँ कि ये डॉग मुझसे दोस्ती करेगा या फिर नहीं करेगा। कहीं भाग तो नहीं गया? यहीं पे यहीं पे यहीं पे। रोटी लेकर आता हूँ उसके लिए, रोटी जल्दी दो, जल्दी जल्दी जल्दी। लो भाई एक और आ गया यार, आजा 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 आजा, ले ले ले, आजा भाई आजा। भाई देख रहे कितना प्यारा लग रहा है, तू खा ले पहले। भाई देसी कुत्ता है, पक्का देसी कुत्ता है ये। अगर किसी का पालतू होता ना ये अब तक आ जाता मेरे पास। अरे भाई ये तो आ गया, आजा आजा आजा, शाबाश 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 शाबाश। गाइस एक बार चेक करो कितना काला डॉग है भाई। भाई इतने तो मेरे सर के बाल भी नहीं है जितने इसके बाल है काले। ले 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 भाई ले, आजा 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 आजा, ले रोटी ले, आजा यार ले, आजा आजा आजा। भाई इस बार ये पक्का मेरे पास आने वाला है, गारंटी में दे रहा हूँ, गारंटी गारंटी। आजा 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 भाई आजा आजा। गाइस देख रहे कितने पास आ गया, ले ले भाई रोटी खा। ओ भाई कितना खतरनाक लुक है भाई इसका, ले भाई सूंघता फिर रहा है पता नहीं क्या यार, ये पुलिस का डॉग है क्या? सच में भाई अब तो गुस्सा दिला रहा है मुझे। मैं आजा भाई, इतनी देर में तो लीवो भी आ जाता था यार, बल्कि लीवो तो बिना बुलाए आ जाता था मेरे पास। ले ओ भाई, अरे भाई साहब यहाँ तो देसी कुत्तों की लाइन लग गई है। डॉग मेरे घर के कितने पास आ गया है। ओ भाई आजा 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 भाई आजा आजा आजा, अंदर आजा अंदर आजा। गाइस मैं तो सोच रहा हूँ उसको अंदर ही बुला लूँ। आजा 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 आजा, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लो भाई भाग गया, मुझे पता तो भाग जाएगा ये।